बॉलीवुड एक्ट्रेस निमृत कौर पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। इन खबरों की वजह है अभिषेक बच्चन। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से उनका नाम अभिषेक बच्चन के साथ जोड़ा जा रहा है। अभी तक किसी ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया यूजर्स किसी न किसी तरह उनका नाम अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच खींच कर ही ले आते हैं। हालांकि एक्ट्रेस का इस चर्चा में कोई सीधा कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी उनका नाम खबरों में छाया ही रहता है। वहीं इंटरनेट यूजर्स ने उन्हें इसे लेकर काफी ट्रोल भी किया, लेकिन निमृत ने कभी इसे आड़े हाथों नहीं लिया। लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने एक ऐसी रील पोस्ट की है जिसे ट्रोल्स को उनका करारा जवाब बताया जा रहा है। जी हाँ, सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल, दिस इज मी कृतिका एंड यू आर वॉचिंग बोल्ड स्काई। 10 नवंबर 2024 को निमृत ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक बेहद मजेदार रील पोस्ट की। वीडियो क्लिप में निमृत फर्श पर बैठी हुई थी, जबकि उनकी बिल्ली सोफे पर बैठी हुई नजर आ रही है। एक्ट्रेस ने ऐसी दोस्ती के बारे में बात की जिसे देखकर किसी को जलन हो जाए। निमृत ने एक प्यारा सा मैसेज देते हुए लिपसिंक किया। निमृत ने लिखा, दोस्ती इतनी पक्की होनी चाहिए लोग की देखते ही जल जान। कुछ समय पहले निमृत फिल्म सिटाडेल हनी बनी की स्क्रीनिंग में दिखाई दी थी। एक्ट्रेस से मीडिया ने जब बातचीत के दौरान कई चीजों के बारे में सवाल किए गए, अभिषेक बच्चन और निमृत कौर को उनकी डेटिंग अफवाहों के लिए काफी ट्रोल किया गया। साथ ही निमृत ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई, जिन्होंने उन्हें शादी शुदा आदमी अभिषेक बच्चन के साथ रिलेशनशिप में होने और ऐश्वर्या राय की जिंदगी बर्बाद करने के लिए शर्मिंदा किया। हालांकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, फिर भी लोग अभिषेक के साथ फिल्म दसवीं में काम करने वाली एक्ट्रेस निमृत को कोसने लगे। हालात की गर्मी को देखते हुए कुछ नेटिजन्स उनके सपोर्ट में आए और बताया कि कैसे लोग उनकी चुप्पी का फायदा उठा रहे हैं। वहीं निमृत कौर सपोर्टर्स का कहना था कि कैसे निमृत को बिना किसी गलती के बेवजह ट्रोल किया जा रहा है। बहरहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यहाँ पे सेंटर मैम, सेंटर के मैम, सेंटर। थैंक यू, थैंक यू, राइट, थैंक यू गाइस, थैंक यू।